नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेटेड मास तक की अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों व संगठनों के प्रमुख। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो आ रहा है महासचिव यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, कौन है महासचिव? वो है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये फ्रेंड पुर्तगाल के हैं। और फ्रेंड बात करें, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित। ठीक है, और फ्रेंड बात करें उपमहासचिव यूएनओ के कौन है, तो वो है अमीना मोहम्मद। ठीक है, नाइजीरिया के हैं ये। ठीक है, और अध्यक्ष जो 74वें सत्र के जो वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बने हैं या बने थे, प्रोफेसर तेजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया के हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, इसे विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता था, ये पुराना नाम था। इसके अध्यक्ष हैं फ्रेंड डेविड मालपस। और फ्रेंड कहाँ के हैं डेविड मालपस? ये अमेरिका के ही हैं डेविस मालपक। इस जो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। बात करें नाम की, अध्यक्ष कौन है नाम के गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तो ये हैं निकोलस माद्रो। ठीक है, निकोलस माद्रो हैं नाम के अध्यक्ष। ठीक है, बात करें अगला, IMF प्रबंध निर्देशक कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो वह हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है, और कहाँ की हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा? ये हैं फ्रेंड्स बुल्गारिया की। ठीक है, और फ्रेंड इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी IMF की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC है। चलिए अगला चलते हैं। तो फ्रेंड महानिदेशक WTO या विश्व व्यापार संगठन के कौन है? वो हैं रॉबर्टो अजीवेडो। कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। ठीक है, और फ्रेंड बात करें WTO की हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, बात करें अंकटाड की, तो अंकटाड के जो मुखिया हैं यानी कि महासचिव हैं कौन है? मुखीसा कीतुई, जो कि केन्या के हैं। यूनेस्को के कौन है फ्रेंड? यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजूले। आंद्रे अजूले किस देश से हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स फ्रांस से। ठीक है, और फ्रेंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में फ्रांस में स्थित है यूनेस्को का। और फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में स्थापना हुई थी। बात करें अगला, फाओ पे आ जाइए यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये चीन के हैं, क्यू डोंगयू उनका नाम है। ठीक है, जो महानिदेशक हैं वो क्यू डोंगयू हैं। ठीक है, IALO पे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पे, तो श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? वो है गाय राइडर। ये कहाँ के हैं? ये फ्रेंड UK के हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। है, बात करें कार्यकारी निदेशक यूनिसेफ की कौन है? यूनिसेफ की कौन है? यूनिसेफ की है फ्रेंड हेनरिटा H4। ये कहाँ की हैं? अमेरिका की। और फ्रेंड इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? 1946 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें फ्रेंड WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके जो महानिदेशक हैं टेड्रस एथानोम ग्रेवी थेसिस। WHO के ये महानिदेशक हैं WHO के। WHO की जो स्थापना 1948 में हुई थी और फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करें UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? तो वह है अचीम स्टेनर। कहाँ के हैं? ब्राज़ील जर्मनी के हैं। ठीक है, अचीम स्टेनर इनका नाम है फ्रेंड्स, और इसकी जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में स्थित है UNDP का। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है, अचीम स्टेनर इसके प्रशासक हैं अभी। SAARC की बात करें, SAARC आ जाइए फ्रेंड, महासचिव कौन है SAARC के? इसका जो SAARC का जो बेसिकली जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है। करंटली इसके जो चेयरमैन है वो है अमजद हुसैन बी सियाल SAARC के। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, भारत भी एक SAARC का मेंबर है फ्रेंड्स। बात करें अगला, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन कौन से हैं और इनके प्रमुख कौन कौन हैं? महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के कौन हैं? वो हैं कमलेश शर्मा, जो कि भारत के ही हैं। यूरोपीय संघ के कौन हैं अध्यक्ष? तो वो हैं हरमन वॉन रामपोई, जो कि बेल्जियम के हैं। अफ्रीकी संघ के कौन हैं? वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, अफ्रीकी संघ के। बात करें फ्रेंड OPEC महासचिव कौन है OPEC? तो तेल निर्यातकों देशों का संगठन है OPEC। ठीक है, इसके जो महासचिव हैं वो हैं फ्रेंड मोहम्मद सानूसी बरकिंदो, जो कि किस देश के हैं? वो नाइजीरिया के हैं। किसके? OPEC के। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में OPEC का। चलिए बात करते हैं अगला फ्रेंड्स,
तो अगला क्या है हमारा, नाटो, ठीक है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है, जेन्स स्टोन टेनबर्ग, ठीक है, कहाँ, कौन से देश के हैं, नॉर्वे के हैं। महासचिव आसियान के कौन है फ्रेंड, ली लियोंग मिन, जो कि वियतनाम के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अमेनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पूछा जाता है, अमेनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ से जुड़ी संस्था है, तो फ्रेंड मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन है एक तरह का, तो इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं आकार पटेल हैं, ठीक है। बात करें एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, अध्यक्ष कौन है इसके, मात्सुक अस्कावा हैं, जापान के हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलीना फिलीपींस में स्थित है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, जर्गेन स्टॉक, जो कि जर्मनी के हैं। और फ्रेंड इंटरपोल के महासचिव और अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं, महासचिव हैं जर्गेन स्टॉक और अध्यक्ष हैं किम जोंग योंग, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल काबी अहमद यूसुफ, ठीक है। नासा के कौन है फ्रेंड, नासा के हैं जिम बिडेनस्टाइन, ठीक है, प्रशासक हैं नासा के जिम बिडेनस्टाइन, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। उच्चायोग कौन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि UNHCR के फिलिपो ग्रांडी, ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। प्रमुख कौन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के, तो ये है मिशेल बैचलेट, जो कि चिली के हैं। महानिदेशक कौन है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के, ये हैं राफेल ग्रोसी, जो कि जापान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है, ये हैं जेम्स डी वॉल्फे नसान, अमेरिका से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर चीफ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थान व उनके प्रमुख। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें